हेलो जी, राम राम जी, हैप्पी नवरात्रि आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। और आज का ब्लॉग है, ये जो बीमारी चल रही है ना लैम्पी वायरस, उसके ऊपर, इसके रिलेटेड ही है आज का ब्लॉग है कि एक गाय के बछड़ा बीमार था और रोड पे पड़ा था। पता नहीं कब से, कोई तो बोल रहा है सुबह से पड़ा था, कोई बोल रहा है दोपहर से। तो मैं उधर उस साइड से गई थी बेटे को बुलाने, तब मैंने देखा कि वो बीमार पड़ा है बेचारा और वो थोड़ा तड़प रहा था। तो मैंने कॉल की, पहले तो मैंने नेट पे ढूंढा एम्बुलेंस वालों के नंबर जो गौशाला के होते हैं, वहाँ से नंबर ढूंढे, कॉल किया, एक दो रॉन्ग नंबर लगे, कोई दिल्ली कोई गुजरात ऐसे करके। तो कोशिश करने के बाद एक सही नंबर लगा, तो वहाँ से पता किया, हाँ वो गौशाला से ही बोल रहे हैं। तो उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे इस जगह पे एक बछड़ा है जो बीमार पड़ा है, आप एम्बुलेंस भेज दो ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो उन लोगों ने नाम वगैरह एड्रेस पूछा तो मैंने बता दिया था। तो उनसे बात की, उन्होंने बोला ठीक है हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं, आप किसी बंदे को लेकर उनकी हेल्प लेके उसको एम्बुलेंस में बैठवा दीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो कुछ देर वेट किया हमने, कम से कम 20-25 मिनट, उसके बाद एम्बुलेंस आई। तब तक बंदे ऑटोमेटिकली मोहल्ले के आ चुके थे, तो सब ने मिल के हेल्प की, को एम्बुलेंस पे बैठाया और लेके गए। एक छोटी सी हेल्प हम खुद करें ना गो माता के लिए, तो बहुत कुछ है। बस मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी कहीं भी गो माता या बछड़ा कोई जानवर है उसकी हेल्प कीजिए। गो माता है तो उसको, बछड़ा है तो उसको कॉल कीजिए एम्बुलेंस वालों को, वो डेफिनेटली आएंगे, उनको लेके जाएंगे, उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वो भी अच्छे हो सकते हैं। हेल्पलेस है तो हम तो हेल्पलेस नहीं है, तो हमारी एक छोटा सा कदम उनकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो आई होप आप लोग भी ऐसा करोगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए थैंक यू। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो उस बछड़े की कैसे हेल्प की, कब एम्बुलेंस आई, कैसे उसको एम्बुलेंस में बैठाया, उस वीडियो को देखने के लिए आपको देखना होगा पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट 2 को भी मैं इसी वीडियो में डालूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उससे आप लोग बोर हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।